हे गाइस, मैं हरनूर सिंह और आज हम जो हम बात करने वाले हैं वो है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसको आप चूज़ करना चाहिए इफ़ यू डिडंट गेट एनी आईआईटी एनआईटी और कोई भी आपको टायर वन कॉलेज नहीं मिला है, तो कौन से फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एक कॉलेज को चूज़ करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है क्लब्स, कम्युनिटीज़ एंड एक्टिविटीज़। किसी भी कॉलेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसकी क्लब्स। अगर किसी कॉलेज में क्लब्स हैं तो डेफिनेटली वहाँ आप बहुत चीज़ें लर्न करोगे, आपके कनेक्शंस बनेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना क्लब्स के नहीं सीख सकते। आपके पास एक अच्छी गाइडेंस होगी, एक एक्सपीरियंस होंगे, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। जिस कॉलेज में ये सब नहीं है ना यार, उस कॉलेज में जाना ना जाना एक बराबर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ क्लब से मेरा मतलब है कि हर टाइप का क्लब, चाहे वो आपके डांस, कुकिंग, एक्टिंग इस तरह के क्लब्स हो, या फिर आपके कोडिंग, टेक वर्ड के जो भी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग इस तरह के क्लब्स हो, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स होने चाहिए, ये सब क्लब है ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन सब में। सेकंड जो चीज़ है जो कि मैं ऑप्शनल कहूँगा लेकिन आपको देखनी चाहिए, अटेंडेंस क्राइटेरिया। अगर किसी कॉलेज में अटेंडेंस 0% है तो डेफिनेटली वहाँ आपके पास इतना फ्री टाइम होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आपको क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी यूनिवर्सिटी में 0% अटेंडेंस है और इसका मैं फ़ायदा देख सकता हूँ कि हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहता कि आपको और क्लास लगानी है या नहीं लगानी। मोस्टली इंडियन कॉलेज में ये क्राइटेरिया नहीं होता, अटेंडेंस ज़रूरी कर रखी है 75%, तो ये ऑप्शनल हो सकता है कि अगर मिले तो अच्छे हैं, नहीं तो इसको साइड में रखिए, क्लब्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो बात करने वाला हूँ वो है बिगर सिटी, एक अच्छी सिटी, चाहे वो आपके चंडीगढ़ हो, चाहे वो आपके दिल्ली या फिर मुंबई, इस तरह की बड़ी सिटी में आप बहुत चीज़ें लर्न करोगे। अगर आपको IIT NIT नहीं मिला तो वहाँ आपको दिक्कत आती है कि आपको बाहर निकलना होता है, कॉलेज से बाहर निकल के चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो यहाँ आपको एक अच्छी सिटी मिलेगी, तभी आप एक अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, इवेंट ज्वाइन कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट हैं, लेकिन एक बिगर सिटी डेफिनेटली हेल्प करती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। एक लोकल एरिया में लोकल बच्चे होते हैं, वहाँ आप इतना ज़्यादा नहीं सीख सकते, ये आजमाई हुई चीज़ है, इसको आप इग्नोर मत करना। बड़े कॉलेजेस का ये है कि वो अगर कहीं और जगह ना, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती हैं, लेकिन यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो जब भी आप कोई कॉलेज चूज़ करें इन तीन चीज़ों को ज़रूर चेक करना, अगर तीनों मिल रही हैं तो अच्छी है, बेनिफिट नहीं तो आपको अपनी तरफ से देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, इन तीनों में से कौन सी चीज़ अप्लीकेबल हो सकती है और कौन सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।